स्टूडेंट गुड मॉर्निंग, आई एम वंदना शर्मा फ्रॉम GCS स्कूल। आज हम क्लास फोर्थ में सब्जेक्ट EVS में चैप्टर नंबर 13 शेल्टर फॉर एनिमल्स के आप क्वेश्चन आंसर कराएंगे। कल हमने आपको इसके 1, 2, 3 क्वेश्चन आंसर राइट करा दिए थे। उसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए उसके नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर हम आपको राइट कराएंगे, क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6। तो स्टार्ट करेंगे हम सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज मीन्ड बाय इनक्यूबेशन। इंक्यूबेशन क्या होता है? तो आंसर है बर्थ हैच देयर eggs and then the young ones come out of them is called incubation, incubation क्या होते हैं? पक्षी जो है अपने अंडों में से जो बच्चे निकलते हैं नए, उनको हम इंक्यूबेशन कहते हैं। पक्षी के अर्थात यानी कि पक्षी के अंडों से निकलने वाली पक्षी के अंडों से जो बच्चे निकलते हैं उस प्रक्रिया को हम इंक्यूबेशन कहते हैं। गॉट इट? अब है क्वेश्चन नंबर 5। है How does a polar bear survive in polar region? पोलर बियर बर्फीली जगहों पे कैसे रहते हैं? आंसर इज कैसे रहते हैं पोलर बियर बर्फीली जगहों पे? लिखेंगे polar bear survive in polar regions due to their thick fur
एंड ए लेयर एंड ए लेयर ऑफ फैट अंडर देयर स्किन टू कीप them warm. Them warm. पोलर बियर जो है बर्फीली जगहों पे कैसे रहते हैं, तो पोलर बियर की जो चर्बी होती है, जो फर पोलर बियर की जो चर्बी होती है वो उसको गर्माहट पैदा करती है, तो और वह फर वाले होते हैं जिससे उसकी चर्बी जो है उसको गर्मी प्रदान करती है और वह बर्फीले इलाकों में रह पाते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर सिक्स। क्वेश्चन नंबर सिक्स है आपका, व्हाट आर द अडेप्शन वर आर द adaptation adaptation in camel in camel can a camel survive in cold, survive in a cold place. Cold place. Why? What are the adaptation in camel and can a camel survive in cold place? Why? ऊंटों के क्या क्या अनुकूलन होते हैं और क्या वे ठंडी जगहों पर रह सकते हैं, अगर रह सकते हैं तो क्यों, ये हमारा क्वेश्चन है। अब हम उसका आंसर लिखेंगे, तो आंसर इज कैमल Camels have long legs, padded feet, two rows of ice laces. Eyelashes hum to store fat and large and large in stomach to store water. तो कैमल में यानी ऊंट में क्या क्या अनुकूलन होते हैं, कैमल जो है उसके लंबी टांगे होती हैं, गद्दीदार उसके पैर होते हैं,
और उसकी आंखों की जो पलके होती हैं वो डबल होती हैं, यानी दो होती हैं, और उस ऊंट के एक हम्प होता है, आप लोगों ने देखा होगा ऊंट के पीछे एक उठा हुआ निकला रहता है जिसको हम कहते हैं कुब, जिसके अंदर वह पानी और खाने को स्टोर करके रखता है। अब नेक्स्ट पूछा हुआ है कैन ए कैमल सर्वाइव इन कोल्ड प्लेस, क्या ऊंट जो है सर्दी के जगहों पर रह सकता है, ठंडी जगहों पर रह सकता है, तो हम उसका आंसर लिखेंगे क्या ऊंट ठंडी जगह पर रह सकता है, तो आंसर लिखेंगे हम यस। क्या लिखेंगे? यस। यस कैन ए कैमल, एक कैमल कैन सर्वाइव इन कोल्ड प्लेस, हाँ वह ठंडी जगहों पे रह सकते हैं। अब पूछा है क्यों, तो उसका आंसर है बिकॉज बिकॉज यानी क्योंकि दे हैव कूली कोट ऑफ इंसुलेटिंग इंसुलेटिंग फर, क्योंकि उनके जो है ऊनी फर होती है जिससे उनके शरीर को गर्मी मिलती रहती है, इसलिए वह ठंडी जगहों पर रह सकते हैं। तो अब इसके लिए आज के लिए इतना ही। टुडेज होमवर्क, लर्न एंड राइट क्लास वर्क इन नोटबुक। तो बच्चों ये हो गया आपका चैप्टर नंबर 13 कंप्लीट। कुछ क्वेश्चन के आंसर हमने आपको कल करा दिए थे और बाकी के आज हो गए। आज के लिए इतना ही। सी यू टुमारो। थैंक यू।